हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज की लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अब यानी ये मतलब कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके टू द फाइनेंशियल पोजिशन, सही है, और टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को कह रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस को कह रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कि भाई किस तरीके से कैश जो है वो फ्लो हो रहा है, चेंज इन इक्विटी, अगर कोई इक्विटी के अंदर चेंजेस आई है या फिर कोई कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई चेंज किया या फिर उसका डिस्क्लोजर वगैरह देना ज़रूरी होता है। ये हम आगे टॉपिक कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके कि भाई बैलेंस शीट कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, इक्विटी वगैरह, ये हम आगे टॉपिक कवर करेंगे। और मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के द्वारा आपने नाम सुना होगा, ये भी हम आगे करेंगे। अब इसके अंदर भी वही है कि IAS 1 जो है वो डील करता है, या वो 1 बताता है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो और चेंज इन इक्विटी और नोट थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सारे के सारे जो है वो इसमें शामिल है। अब जो इनकम स्टेटमेंट है वो यानी कि मतलब कैसे बनता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और बैलेंस शीट कैसे बनती है, एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी और जो है वो लाइबिलिटी है। अब इसको यानी कि मतलब प्रिपरेशन कैसे होती है, अब आप हम पिछली वीडियोस के अंदर हम पढ़ लेते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए थे, तो ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के बाद का प्रोसीजर होता है कि आप जो है वो अपना बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। तो प्रिपरेशन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये दिया हुआ है कि भाई बैड डेट्स इतना है, अपना एडवर्टीजमेंट इतनी है, टेलीफोन का बिल्स जो है वो इतने, स्टेशनरी रिपेयर, इस तरीके से सारी चीज़ें दी हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से दी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अपना बैलेंस शीट के हिसाब से। जैसे अगर इसमें देखें लैंड है, तो लैंड जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, और इस तरीके से आपका रेंटल इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। तो अब अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी इसके अंदर दे दी गई है। अब इसके अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर सेल्स रेवेन्यू यानी जो हमारी सेल्स हुई थी, सेल्स कितने की जो दी हुई है, सेल्स जो हमें दी हुई है वो है 40,600 रुपये की। और फिर उसके बाद है कि उसमें रेंटल इनकम हमें इनकम हुई थी, तो हमारी टोटल इनकम कितनी हुई, 41,600। अब परचेजेस कितने की थी, 28,000, और आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था वो आपने माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दिया, बैड डेट्स भी आपका एक्सपेंस है वो भी आपने ऐड कर दिया, एडवर्टीजमेंट आपने ऐड कर दिया, टेलीफोन है, स्टेशनरी और रिपेयर है, और फिर इसके आगे इसको माइनस किया तो आपका 28,916 रुपये आया, और इसको 41,600 से आपने माइनस किया तो आपको 30,000 यानी 13,674 रुपीज़ जो है वो आपके पास आए। इस तरीके से एसेट साइड के अंदर डेटर है और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फर्नीचर है, मशीनरी और लैंड है, कैपिटल है, और फिर उसके आए कि ऐड नॉन प्रॉफिट, ये जो आपका प्रॉफिट आया था आपका किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से, वो ऐड करेंगे और फिर लेस ड्राइंग कर देंगे, तो आपका क्रेडिटर जो है वो यानी कि दोनों, और क्रेडिटर्स के अंदर आपको दी हुई थी कितने दिए हुए थे, 52,500, तो वो आपने लिख लिए। इस तरीके से आपका जो है वो बैलेंस शीट भी बन गई और इनकम स्टेटमेंट भी बन गया। अच्छा, जो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन है कॉरस्पॉन्डेंट टू दिस कंपोनेंट। तो ये एक तरीके से समझ ले फॉर्मेट है जिसके अंदर सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, माइनस करेंगे आप अपना क्लोजिंग स्टॉक तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे आप सेल्स रेवेन्यू से, तो और फिर उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड कर देंगे, अदर इनकम अगर होगी तो वो ऐड कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से यानी मतलब अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी एलिब्रेशन दी हुई है कि भाई क्या क्या इसके अंदर आ सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कि भाई सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो है वो आपका परचेजेस से रिलेटेड होता है, बिलोंग मेन हेड जो होता है, ऑल एक्सपेंसिव फॉर परचेजेस रियली सोल्ड आउट इन द एयर परचेजेस एडजस्टमेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो शो करता है पोटेंशियल मीटिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड, और फिर इसके बाद जाके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट होती है, और फिर उसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस
जो इंक्लूड होता है कि प्रोमोशनल सेल्स के अंदर होता है, और अदर इनकम के अंदर क्या क्या आता है आपका? अदर इनकम के अंदर देयर आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब आपकी मेन इनकम जो है, जैसे मिसाल दे दिया आप अगर बिस्किट बेच रहे हैं, अब आपकी इनकम जो है वो बिस्किट से आ रही है, लेकिन कई जगह आपने इन्वेस्ट किया हुआ, जैसे प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा हुआ तो आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब वो डिविडेंड जो आ रहा है वो आपकी मेन इनकम नहीं है क्योंकि आप तो बिस्किट बेच रहे हैं, लेकिन वो डिविडेंड जो है वो अदर इनकम में शो होगा इस तरीके से। अब नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से मैनेजमेंट टू वांट टू नो अदर इनकम स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू सर्टेन इकोनॉमिक डिसीजन, यानी जो नेट प्रॉफिट है वो बताता है कि भाई कभी कभार नेट लॉस भी आ जाता है तो, और नेट प्रॉफिट भी आ जाता है तो वो बताता है कि भाई इकोनॉमिकल डिसीजन लेना अच्छा है कि नहीं। अब मैचिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्रिपरेशन इनकम स्टेटमेंट, पहली बात, और कॉस्ट डेट एक्सपायर्ड इन एक्सपेंस, यानी कि मतलब जो कॉस्ट है वो एक्सपायर्ड इन एक्सपेंस हो चुकी है। अब बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है, एसेट जो है वो उसके अंदर फिक्स एसेट सबसे पहले ऊपर लिखे जाते हैं, इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर है, फिक्सचर्स भी आ सकते हैं, और भी कोई अगर फिक्स एसेट होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अगर कोई किसी कंपनी के पास ट्रक्स हैं या कार्स हैं तो वो भी आ जाएगी आपकी फिक्स एसेट में। इसी तरीके से करंट एसेट के अंदर अपने जैसे स्टॉक, अपना स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक्स है, कैश इन हैंड है, और अगर प्रीपेड कहीं आपने कोई चीज़ जैसे मिसाल दिया एडवांस रेंट पे किए हुए तो वो भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो आपका एसेट हो। और कैपिटल के अंदर तो सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, कैपिटल, और फिर माइनस करते हैं उसको नेट प्रॉफिट से, और फिर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, और फिर माइनस करते थे ड्रॉइंग के अंदर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर दो सेक्शन होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म के अंदर आपने जैसे किसी से बैंक उधार लिया हुआ है, या फिर कोई चीज़ लीज पे ली हुई है, जैसे गाड़ी लीज पे ली हुई है, घर आपने लीज पे लिया हुआ है, या कुछ और भी लीज पे लिया हुआ है, तो वो सब क्रेडिटेड ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन से ये शॉर्ट टर्म के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर देखते हैं कि फिक्स एसेट जो है वो जो मतलब फिक्स एसेट हेल्ड फॉर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज दैट टू बी, वही बात है कि आपने जैसी बात है फिक्स एसेट जो है वो आपके वो एसेट्स होते हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं, जिनको डेप्रिशिएट करते हैं। करंट एसेट जो है वो हेल्ड टू एडिशनल ट्रेडिंग पर्पसेस होते हैं, जैसे स्टॉक है, आप जैसे जैसे स्टॉक लाए आप उसको बेचेंगे, करंट एसेट है आपका। इसी तरीके से कैश है, बैंक जो पड़ा हुआ है या फिर कैश इन हैंड है, वो आपका सारा करंट एसेट। इक्विटी जो है वो आप जानते हैं कि जो यानी कि मतलब जो अमाउंट है वो इक्विटी जो है वो कैपिटल जो है वो आपका जो ओनर लगाता है और उसके अंदर से ड्राइंग भी निकाल लेता है, तो ये इक्विटी का पोर्शन है। और फिर लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर ऑब्लिगेशन है डेट सेटिस्फाई मोर देन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मोर देन अकाउंटिंग पीरियड इसका मतलब क्या है, 12 महीने से ज़्यादा इसको लगेंगे सेटिस्फाई होने में। अब जैसे बैंक से कर्जा लिया हुआ 3 साल का, तो आपको एक अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 साल का, जो आपका स्टार्ट होता है पाकिस्तान के अंदर 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, तो इससे ज़्यादा 3 साल लगेंगे, यानी मतलब आज आप कर्ज़ा लेते हैं तो आपको 2025 तक आपको वो लोन, यानी मतलब 2023, 2024, 2025 तक आपको उतारना पड़ेगा। इस तरीके से करंट लाइबिलिटी वो है जो आपको जैसे मिसाल दिया लोन की किस्त है, अब लोन की किस्त बन गई आपकी 12 महीने की, तो अब ये 12 महीने के अंदर आपको वो उतारनी ही उतारनी है, तो नेक्स्ट 12 महीनों में। अब इसी तरीके से डिस्कशन डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, ये ज़रूर होना चाहिए। लाइबिलिटी शुड बी डिस्टिंग्विश विद करंट एंड लॉन्ग शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और करंट एसेट, यानी मतलब क्या कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ करंट एसेट में है या करंट लाइबिलिटी में है, और कौन सी चीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में या शॉर्ट टर्म एसेट में। अब इसकी एक मिसाल है कि लोन जो आपने बैंक से लिया हुआ है वो 3 साल का है, वो तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी कोई किस्त अदा कर रहे हैं या आपको अदा करनी है, बल्कि किस्त अदा करनी है 12 महीनों में, और आज बैलेंस शीट बन रही है, तो अब आप उसको करंट लाइबिलिटी में लेंगे। इसी तरीके से करंट एसेट के अंदर जैसे आपने किसी को लोन दिया हुआ है, जैसे आप बैंक के, आपने बैंक लोन दिया हुआ है, तो अब उसकी आपकी एसेट साइड पे तो वो आएगा लोन, लेकिन उसकी जो पेमेंट होनी है, यानी मतलब आपके पास जो पैसे आने, वो आपकी करंट जो इस साल की किस्त आएगी वो आपके करंट एसेट में शो होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।